बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत से दोस्तों का इसरार था कि ऐसा वंडा, एक सस्ता हमें वंडा बना के दिया जाए फैटनिंग का, जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो। फैटनिंग का वंडे में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कीमत दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है और हमारे पास जानवरों में पोटेंशियल नहीं है। जिस तरह एक ब्रायलर मुर्गी वज़न करती है, इस तरह अगर हम अपने देसी मुर्गी को फीड दें तो वो कभी भी इतना वज़न नहीं करेगी। इस मसले का हल ये है कि हम कोई इस तरह का तरीका निकालें कि हमारा फीडिंग कॉस्ट कम हो जाए। अब आप जिस तरह भी जो भी कॉस्ट लगाएं, जो हमारे क्रूड प्रोटीन है, कॉटन सीड के एक है, खाल है, ये सारी चीज़ें वनडे में चाहिए। इसमें ग्रेन्स चाहिए हमें, दानेदार जनास, इसमें हमें क्रूड प्रोटीन चाहिए, क्रूड फाइबर चाहिए। फंडे के फार्मूला शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जानवर की खुराक में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें यही चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, और हम वो दाने इस्तेमाल करते हैं जिसकी हाई प्रोटीन हो और हाई उसका एनर्जी लेवल हो। और इसके साथ साथ हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो उसके साथ क्रूड फाइबर, जो चारा या तूड़ी, वनडे के साथ इसलिए ज़्यादा तूड़ी इस्तेमाल करते हैं कि उसके साथ चारा अगर इस्तेमाल करें तो वो ड्राई मैटर जो खुश्क मादा है वो पूरा नहीं होता, तो इसलिए उसको जितना हम वंडा देंगे तो उसके साथ वो बैलेंस करना पड़ता है। इसमें दो चीज़ें होगी, एक प्रोटीन सोर्स और एक फाइबर, और तीसरा एनर्जी के लिए हमें ऑयल, जो अंदर हाई एनर्जी सोर्स है, उसके लिए तेल या बाईपास फैट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं और इनकी कॉस्ट तकरीबन 40 रुपए किलो से कम किसी सूरत में भी नहीं होती। फरबा करने वाले वनडे में जो प्रोटीन लेवल है उसका क्रूड प्रोटीन लेवल 12 होना चाहिए। तो जब हम इसमें तूड़ी डालते हैं सादा, तो वो तूड़ी की CP3 है, तो फिर हमें और ज़्यादा उसका वंडा डालना पड़ेगा। यहाँ 3 किलो देते हैं, वहाँ 4 किलो देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम जो हे इस्तेमाल करें रोड ग्रास की या बरसीम की, तो वो फिर और ख़र्चा कम हो जाएगा। लेकिन अब तो कुर्बानी का टाइम है, वो मैं आपको अलहदा TMR बताऊंगा जिससे बहुत ख़र्चा कम हो जाए। अब ये कुर्बानी का मौका है, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने तूड़ी को फौरी तौर पे यूरिया ट्रीट करें और उसकी प्रोटीन लेवल जो 8 करें, 8 से जो 12 है उसमें वनडे की बचत होगी। और जिनके पास सादा तू वो ब्राउन तूड़ी तैयार नहीं, वो सादा तूड़ी को फौरी तौर पे उसको ट्रीट करें, 1 महीने तक वो तैयार हो जाएगी। तो फ़िलहाल आप सादा तूड़ी भी मेरे फार्मूले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक, अब ये इस खुराक आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 2 से 4 किलो तक, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, 4 किलो, और 300 किलो के बछड़े को 9 किलो चाहिए ड्राई मैटर। तूड़ी के साथ अगर आप देंगे, ब्राउन तूड़ी के साथ, तो 4 किलो वंडा और 5 किलो तूड़ी काफ़ी होगी। और 400 केजी के जानवर को आपको 12 किलो राशन चाहिए, 12 किलो मिला के तूड़ी और वंडा। वो आप 50-50 भी कर सकते हैं, वो आप अपना बजट देख के किस तरह की तैयारी आपने करवानी है उसी लिहाज से आप उसको वंडा ज़्यादा कर दें। तो इसमें आपने 100 किलो में 5 किलो बाईपास फैट या तेल, कोई भी तेल हो, जो सरसों का तेल है या बनौले का तेल है, अगर किसी को बाईपास फैट नहीं मिलता तो वो आप तेल भी डाल सकते हैं। के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिए, और इसी के साथ खुदा हाफिज़। अगर किसी बात के बारे में मालूमात करनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।